तरह अनाज की बोरियों में एक गेहूं का कोई मोल नहीं होता, उसी तरह मैं भी जेजे कॉलोनी में बसे हुए लोगों में एक हूं। वर्ष 2000 से 2003 के बीच अलग अलग जगह पर बसी बस्तियों नेहरू प्लेस, राजनगर, आर के पुरम आदि जगहों से उजाड़ कर मदनपुर खादर में फेंक दिया गया, जो कि यमुना तट पर बसी एक पुनर्वास कॉलोनी है। आज 10 साल हो गए इस कॉलोनी में रहते हुए, पर फिर भी ऐसा लगता है इस कॉलोनी से तो अच्छी वो झुग्गियां ही थी, जहां पीने का साफ पानी और हॉस्पिटल तो था, अभी तक यहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, चाहे वो शौचालय हो या अस्पताल। अस्पताल तो छोड़िए, यहां तो गलियों में लाइट के खंभे होते हुए भी उजाला नहीं रहता। वैसे तो यहाँ समस्याओं का ढेर लगा हुआ है। जागोरी का सपना ये है कि हम चाहते हैं कि महिलाओं के संग किशोरियां कैसे इस सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे ले जाएं। खास तौर से जिस बस्तियों में हम काम करते हैं, मदनपुर खादर, बवाना, दिल्ली में, लड़कियों का ये सोच रहा कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे ले सकते हैं, किस तरह से हम यंग मीनिंगफुल सिटीजन्स बन सकते हैं। और इस सोच को आगे लेते हुए मदनपुर खादर में चूंकि बहुत व्यापक तौर से यंग की जो पॉपुलेशन थी वहाँ पे बहुत ही एक्टिव रही है, तो इस कार्यक्रम को हमने उसी सोच से आगे ले लिया कि यंग एक्टिविस्ट की तैयारी कैसे करें, किस तरह से वो अपने राइट्स को आगे ले लें, किस तरह से वो अपनी आवाज रखें हर मुद्दे के ऊपर, और खास तौर से किशोरियां कैसे अपनी आवाज उठाए हिंसा के विरुद्ध में, शिक्षा के लिए, बस्तियों को सुरक्षित बनाने के लिए, अपने घर के अंदर अपनी आवाज रखें कि किस तरह से वो एक न्याय समाज बनाए। महिला सुरक्षा पाने के लिए कई चीजें होनी चाहिए। एक तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला कलेक्टिव हो जो इस मुद्दे को आगे ले, वो अपने नेतृत्व को रखे, वो समुदाय के सामने अपने सारे मुद्दों को रखते हुए उसको उसके ऊपर कैसे हमें आगे चलना है उसका सलूशन भी रखें। दूसरी बात, मैं ये भी मानती हूँ कि हमें जागरूक के दृष्टिकोण से हम ये भी चाहते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हों उसी समुदाय में, वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, वो पुलिस स्टेशन हो, स्कूल्स हो, हेल्थ सर्विसेज हो, वो जेंडर रिसोर्स सेंटर्स हो, किस तरह से सर्विस प्रोवाइडर्स का रिश्ता बनता है महिलाओं के साथ, किस तरह से महिलाओं की अपनी नीड्स को नज़रिया रखते हुए वो अपने प्रोग्राम को आगे ले सकते हैं। तीसरी बात ये ज़रूर है कि किस तरह से महिलाएं और किशोरियां अपने कम्युनिटी में बिना भय के, बिना डर के, अपने काम के लिए, अपने ज़िंदगी चलाने के लिए चल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो दिन का समय क्यों ना हो, वो रात का समय क्यों ना हो, वो जा सकते हैं, उन्हें कोई डर नहीं कि उनके ऊपर कोई हमला करेगा या कोई उन्हें टोकेगा या कोई उन्हें बुरी नज़रिया से देखेगा। जागोरी के साथ मिलकर शुरू हुआ यह सफर जिसमें मदनपुर खादर के युवाओं ने हिंसा के बारे में समझा, पितृसत्ता, मर्दानगी, नशा, शहर की बुनियादी व्यवस्थाएं, ये सब इन सब का क्या संबंध है उस हिंसा से, खासकर जो महिलाएं और युवा लड़कियां झेलती रहती हैं दिन रात हर जगह। साथ साथ रेडियो और वीडियो के जरिए अपने बात को रखना भी सीखा इन युवाओं ने। चलिए देखते हैं इन युवाओं का क्या कहना है मदनपुर खादर के बारे में। हमारी मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी में नशा
लगभग 12 साल की उम्र से ही लड़कों में नजर आ रहा है। लड़के ज्यादातर शौचालय के पीछे या झाड़ियों में नशा करते हैं, जहां कोई आता जाता नहीं। कभी कभी रोड पर करता हूं, कभी बाथरूम में कर लेता हूं। आजकल तो नशा फैशन के तौर पर स्टाइल मारने के लिए किया जाता है, या फिर अपने आप को हीरो साबित करने के लिए भी नशा किया जाता है। इस कारण खुले स्थानों, बाजारों, चौराहों और घरों के अंदर भी महिलाओं को असुरक्षित महसूस होता है। नशा करते हैं तो छेड़ते हैं, फिर वो भी कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो नशा करते हैं, फिर दो बात सुनाएगी तो वो और बोलेंगे और छेड़ेंगे, फिर मतलब कहीं पे चुरा उरा लेते हैं कुछ भी, और भी एक दो नशे के लिए कुछ भी कर सकता है कोई भी। यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें दिन में जलती हैं, रात में नहीं, और कईयों में तो लाइटें ही नहीं होती, जिसके कारण शाम के समय काम से लौटती महिलाओं और लड़कियों के साथ छीना झपटी होती है, तो कई बार अश्लील हरकतें भी होती हैं। चौराहों पर लड़कों के झुंड आती जाती लड़कियों को सीटी मारते हैं या कमेंट पास करते हैं। अरे चाटा मार लो, छूने का तो मौका। अंधेरा अंधेरा सन्नाटा सा लगता है और कई लड़के झुंड बनाकर चौराहे पे खड़े रहते हैं और कमेंट्स पास करते हैं। कुछ पीछे से सीटी मारते हैं, कुछ ऊंची आवाज में ऐसे आवाजें लगाते हैं, कुछ गाना गाते हैं, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता है। हम चलते ये बहुत बुरा लगता है। लड़की जाती है तो उसको कोई ऐसे मार देता है, हाथ मार देता है कहीं रोटी से भी जगह पे, और बात से भी करते हैं, और लड़की चली भी आती है और वो लड़के सोचते हैं हाँ ये तो सही है, इसको फिर छेड़ेंगे दोबारा छेड़ेंगे। लड़के तो बोलते ही रहती है, लेकिन आदमी भी वो माँ बहन भी नहीं देखते हैं जी किसके सामने किस तरीका से बात करे, किस तरीका से फेस आए, आदमी भी छेड़खानी करते हैं। इन्हीं कारणों से कितने माँ बाप तो लड़कियों को स्कूल तक नहीं भेजते और घरों से निकलना भी बंद कर देते हैं। कुछ लड़कियाँ होती है जो डर के मारे अपने घरों में नहीं बताती, क्योंकि वो सोचती कहीं मेरी मम्मी पापा मुझे ना मारे। अगर हम घर वालों को बताएंगे तो मम्मी पापा तो हमारा घर से बाहर ही निकलना छोड़ देंगे, कहेंगे कि वो करते हैं तो करने दो, तो है ही ऐसे, लेकिन तुम घर से बाहर ही मत निकला करो। अब लड़की का अकेला नहीं भेजने वाले हैं, हाँ कि यहाँ का माहौल नहीं ठीक है। अरे बाहर जाने में डर लगती है कि किसी जो कोई अन्य लड़का है या कोई छेड़े छाड़े, तो डर तो लगता है मगर मजबूरी पे जाना ही पड़ता है। इस जगह को इस्तेमाल करने वाले 1.5 लाख लोगों पर सिर्फ 23 शौचालय हैं, जिनमें से ज्यादातर शौचालयों की हालत खराब है। कुछ टूटे हुए हैं तो कुछ बंद पड़े हैं, जो खुले हैं उनकी हालत भी ठीक नहीं है। ऐसा है जब देख लेगी आदमी ना तो बैठ नहीं सकती है, उसे इतना शर्म आता है। तो बैठी थी तो दो तीन लड़के जैसे झांक रहे थे, देख रहे थे, तो हमारी मतलब वो एक लड़की बोली कि हम लोग यहाँ लड़ाई करते, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। इधर लड़के टोन मारते, कमेंट्स पास करते, अश्लील हरकतें करते हैं देख देख कर लड़कियों को। कुछ लोग दारू पी के बैठते, कुछ लोग क्या बोलते हैं पत्ते खेलते, ताश खेलते, और कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते कमेंट्स पास करने के लिए, कुछ लोग छेड़ने के लिए बैठे रहते, ऐसे लोग बैठे रहते हैं। सभी शौचालयों की देखभाल पुरुष कर्मचारी ही करते हैं और अपनी मनमानी चलाते हैं, वह मनमाना पैसा लेते हैं। हाँ, शौचालय कर्मचारी कभी कभार ज्यादातर दारू पी के बैठा रहता है और वो गंदी गंदी गाली देता है, घुसने से पहले ही डायरेक्ट बोलता है कि 1 रुपया पहले देना, नहीं तो अंदर नहीं घुसने देंगे। पैसा नहीं देता भाई बोलते ही गुस्सा से, और सफाई तो बिल्कुल नहीं रहता, खाली गंदगी रहता है। शौचालयों के बंद होने के कारण महिलाओं और लड़कियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जंगल में जाओ बेटा तो यही होता है कि जैसे बैठ जाओ तो बहुत से आदमी रहते हैं ना, जाते हैं ना, तो औरत बैठी जहाँ बैठेंगी औरत ना, तो जरूर वहाँ देखते रहते हैं कितना, और
आदमी से लड़ाई भी हो गया है। हाँ, वहाँ पे कई लोग क्या बोलते हैं पीछा करते हुए आ जाते हैं, या फिर जहाँ पे लड़की जाती है वहीं पे जाके खड़े हो जाते हैं, उसे देखते रहते हैं। तो फिर लड़के लोगों का हर जगह झुंड बना रहता है, और फिर वो कमेंट्स मारते, सीटी वीटी बजाते, छेड़ते हैं, पीछा करते हुए आते हैं हमारे, तो हमें बहुत मुश्किल झेलनी पड़ती है कि हम जाए तो चले फिर कहाँ जाए। जब महिलाएं व लड़कियां खुले स्थानों पर शौच के लिए जाती हैं, तो उनके साथ पुरुषों द्वारा दुर्व्यवहार और अपमानजनक हरकतें की जाती है, इस वजह से उसकी असुरक्षा और बढ़ जाती है। शौचालयों में गंदगी होने के कारण संक्रमण और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। समाज व परिवार में निचले स्तर पर होने के कारण औरत की सेहत पर ध्यान नहीं दिया जाता। कमर दर्द, कमजोरी व सिर दर्द जैसी तकलीफें आम बातें मानी जाती हैं, जबकि ये औरत के काम के बोझ, आराम ना मिलने व उसके काम के तरीके से संबंधित है। महिलाओं की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पिछले साल युवाओं की पहल से यहाँ पर 2 हेल्थ कैंप किए गए। इस हेल्थ कैंप में महिलाओं व लड़कियों को स्वास्थ्य पर संबंधित जानकारी दी गई, जिससे कि वे बीमारियों से बचकर तंदुरुस्त रह सके। तो देखा ना आपने कि कैसे हैं मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी के हालात, लेकिन धीरे धीरे ही सही अब ये हालात करवटें बदल रहे हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी इन समस्याओं को बदलने के लिए एक शुरुआत की है। हमारे खादर में तो समस्याएं बहुत थी, लेकिन हमारे यूथ ग्रुप ने मिलकर हमारी प्लान किया कि यहाँ पे जो इतनी हिंसा हो रही है, यहाँ छेड़खानी होती है, यहाँ पर कैसे देखा जाए। तो हमारी यूथ ग्रुप से निकल के आया कि यहाँ पे एक ऑडिट होना चाहिए, सेफ्टी ऑडिट। हमने कुछ यूथ ने मिलकर एक लोगों की परेशानी देखी, मनपुर खादर में क्या क्या परेशानी है। इस परेशानी को देखते हुए हमने हर जगह जाके देखा, हर ब्लॉकों में जाके देखा क्या क्या परेशानी है। जाते जाते हमने 2 चीज़ को ध्यान में रखा कि हमने एक तो मैप बनाया, मैप के द्वारा देखे गए किस किस रोड पे किस किस जगह की रोड टूटी हुई है, हर ब्लॉक के कितने बाथरूम सही हैं, कितने चालू हैं और कितनी पार्क इस्तेमाल करते हैं लोग। ये जो आप पार्क देख रहे हो, इस पार्क में पहले बहुत नशाबंदी, जुआ खाना, इस चक्कर से लड़कियों और लड़के यहाँ खेल नहीं पाते थे, ना साफ सफाई रहती थी, काफ़ी घर घर से कूड़ा आता था यहाँ। और इसके ऊपर हम लोगों ने मुद्दा उठाया, काम किया, फिर इसके बाद आज ऐसा है कि यहाँ पे लड़की और लड़के भेदभाव ना करते हुए खेल सकते हैं और दूसरे भी आके यहाँ खेल सकते हैं। पहले मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, मेरा भाई निकलने नहीं देता था। जब से जागोरी आई हूँ, जब से निकलने लगी हूँ, और बहुत कुछ पहले पार्क मैं नहीं जान देता था, मेरा भाई अब जाने देता है। मैं कहीं भी बाहर आ जा सकती हूँ बिना हिचके, बिना डर के। और अगर यहाँ पर किसी के साथ अगर मैं रास्ते में जा रही हूँ, अगर कोई लड़का किसी को छेड़ता है, तो हम उसे पलट के जवाब भी दे सकते हैं और अपने घर में भी खुलकर बात कर सकते हैं। पहले तो ये था कि अपने घर में बात करने से डर लगता था, बात नहीं कर पाते थे, या बाहर कुछ ऐसा होता था तो हम पलट के जवाब नहीं दे सकते थे। पर अभी जागोरी में जुड़ने से इतना आत्मविश्वास आया है कि किसी को भी पलट के जवाब दे सकते हैं। कि मैंने काफ़ी कुछ पाया है, जैसे कि आज लड़कियां और लड़के आपस में एक साथ मिलके बाहर निकलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, और लड़कियां आत्मनिर्भर बनी हैं, और लड़कियां एकदम निडर होकर साइकिल चलाती हैं, और इसमें लड़के भी सपोर्ट करते हैं। काफी लड़कों को साइकिल चलाना नहीं आता था, उन्होंने उनका सपोर्ट भी किया है। इसी तरह लड़कों में भी बदलाव आया है। लड़के जो अपने घर में अपनी मम्मी, अपने बहनों का सपोर्ट करते हैं, उनके अधिकारों की बातें करते हैं। महिलाओं को अपने आप से कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भी समाज का एक हिस्सा है। जितना हक मर्द को है, उतना ही हक औरत को भी है। हम अब धीरे धीरे लड़कों के साथ भी थोड़ा जुड़ने लगे हैं, और हमें पता लगता है कि मतलब कि लड़के जो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर औरतों और महिलाओं पे यौन छेड़खानी की जाती है, जिसे हम यौन हिंसा के रूप में कहते हैं। ऐसा हम पहले किया करते थे, औरतों को छेड़ा करते थे, आती आती लड़कियों को,
कमेंट्स मारते थे, सीटी मारा करते थे, पर अब हम ऐसा नहीं करते। कोई भी अगर लड़का मुझे कुछ कहता है तो मैं उसको जवाब दे देती हूँ। अगर रास्ते में मैं कहीं आती हूँ, किसी लड़की या महिला के साथ हिंसा होते हुए देखती हूँ, तो मैं उसको देख नहीं सकती, मैं उसको बचाने की कोशिश करती हूँ। ये एक यौन हिंसा है और मैं चाहूँगा कि ये रुके, क्योंकि इससे लड़कियों के ऊपर बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। उन्हें स्कूल जाने से और बाहर निकलने से रोका जाता है। इससे मैं अपने आप में और अपने दोस्तों में सब में बदलाव लाने के ऊपर विचार करूँगा और मैं चाहूँगा कि वो अपने आप में बदलाव लाए। एक शुरुआत खुद से, अपने आप को बदलने से, आने वाले भविष्य के लिए एक विश्वास के साथ कि एक दिन ये हालात जरूर बदलेंगे। हम यही कहते हैं बहन बेटी से, किसी से घबराओ मत, सीधा अपने पढ़ाई करो, बोल्ड बनो, जो आपके पीछे पड़ता है सीधा छक्का छुड़ा दो।